हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, और कर लेते हैं। और मैंने कैसे बोल दिया, ऐसे लिख दिया एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए अगर जेड है, ठीक है, देन प्रूव दैट एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। और गिवन क्या है मुझे, ये गिवन है। ठीक है, तो देखो इसको मैंने कैसे किया, एक काम करते हैं, चलो इसको मैंने बोल दिया लेट एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इज इक्वल्स टू, मैंने चलो यहाँ पर बोल दिया आर, ले लिया इसको। मतलब मुझे बेसिकली निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा ऐसे लिखने का फायदा ये है, देखो यहाँ पर ये जो लिखा है इधर, ठीक है, और यहाँ पर ये जो नीचे लिखा है, इनको तुम क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, क्या बोला, स्क्वायर करो इसका और इनको ऐड अप कर दो। देखो फायदा क्या होगा इससे, जैसे इसको पहले वाले को स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना जाएगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा टू माइनस टू एक्स वाई, यहाँ पर कितना जाएगा साइन कॉस हो जाएगा। दूसरे वाले को जब तुम करोगे तो यहाँ पर कितना देगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये जगह वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ पर कितना देगा टू एक्स वाई साइन कॉस। ठीक है, और यहाँ से कितना देगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तुम्हें देखो क्या फायदा मिला, क्या क्या कट गया देख लो। ठीक है, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये और ये कट गया, और जब तुम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ से कितना गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। वैसे जब तुम वाई स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ से कितना जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ गया साइंस स्क्वायर। कहाँ कहाँ से निकाल रहे, जैसे पहला वाला टर्म कहाँ से निकला, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, दूसरा टर्म कहाँ से लिया, यहाँ से ले लिया, और यहाँ से ले लिया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, आर निकालना है। ठीक है, तो बस ठीक है, अभी मुझे समझ में आता है, ये तो वन हो गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया प्रूफ। आर को एक साइड रखो, इसको ऐसे ले जाओ। ठीक है, ये कितना देगा माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर रूट ले लिया तो कितना आ गया प्लस माइनस। सही है, हो गया प्रूफ। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और निकाल लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पर बोल दिया सेकेंड, ऐसे बोल दिया इफ sec x इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन बाय फोर अल्फा। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया प्रूफ दैट sec x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू टू अल्फा और वन बाय टू अल्फा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ से sec x तो गिवन है, एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ, sec x गिवन है तो tan x भी निकाल सकता हूँ। कैसे tan x निकाल सकता हूँ, बाय यूजिंग ट्रायंगल। ठीक है, या और कैसे कर सकता हूँ, मैंने चलो क्या किया यहाँ पर, ऐसे बोल दिया कि sec x प्लस tan x को अगर समझो मैं यहाँ पर, लेट्स से कुछ यहाँ पर इस तरह से बोल देता हूँ, p बोल देता हूँ, तो मुझे बताओ sec x माइनस tan x क्या हो जाएगा। मैंने तुम्हें एक जगह लिखाया था कि sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अगर एक को मैंने p ले रखा है कि तो दूसरे का यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, वन बाई पी हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें p निकालना है, क्यों, हमें ये इसकी वैल्यू निकालना है ना, ये निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें तुम एक काम करो, यहाँ से इन दोनों को तुम ऐड कर दो। ठीक है, जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा टू sec x हो जाएगा, ये कितना देगा p प्लस वन बाई पी हो जाएगा, और sec को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, अल्फा प्लस वन बाई फोर अल्फा, और हमें निकालना क्या है, p निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना देगा पी स्क्वायर बाय वन, और यहाँ पर p हो गया, मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पर p के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब तुम इसको ऐसे लेके जाओगे पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा p, इसकी कोएफिशिएंट्स यहाँ पर कितना आ जाएगा टू अल्फा प्लस वन बाय फोर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस वन, दिस इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, पी को ऊपर ले गए। ठीक है, पी को ऊपर ले गए, एक साइड लेके आ गए, तो ये तो बेसिकली क्या हो गया, क्वाड्रेटिक आ गया। तो तुम क्या करो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना। ठीक है, आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, इसको तुम सॉल्व कर लेना, अपने आप तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। पी या तो कैसे आ जाएगा, पी या तो टू अल्फा आ जाएगा और वन बाय टू अल्फा आ जाएगा, मतलब बेसिकली ये इसके रूट्स आ रहे हैं। अरे समझ में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुम निकाल के देख लेना क्वाड्रेटिक, किसी भी मेथड से निकाल के देख लेना, या अगर तुम्हें दिखता है फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लेना, अगर तुम्हें दिखता है कि फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो तुम एक काम कर सकते हो कि वो वाले मेथड से निकाल लेना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू है, निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, और ले लेते हैं चलो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने बोल दिया प्रूव दैट टेन क्यूब एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर ले लिया मैंने कॉट क्यूब एक्स ले लिया अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल्स टू ऐसे लिख लिया यहाँ पर sec x
कॉस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिख लिया टू साइन एक्स कॉस ले लिया, ठीक है। इसको मुझे प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैंने शुरू किया इसको, तो तुम देख लो यहाँ पर राइट हैंड साइड में सब कुछ साइन कॉस दिख रहा है, सेक कोस सेक दिख रहा है, पर उसको वो भी क्या हो सकता है, हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से कितना देगा साइन क्यूब, ठीक है, कॉस क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई ये कितना देगा वन प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब हो जाएगा, ये जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर तुमने यहाँ पर क्या किया एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर एलसीएम जब तुम लोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा साइन क्यूब कॉस क्यूब, यहाँ पर कितना जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ से कितना जाएगा ये जाएगा कॉस क्यूब साइन क्यूब डिवाइडेड बाय ये कितना जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया ये साइन स्क्वायर हो गया। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा है वो तो वन हो गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा साइन क्यूब, ठीक है, और एक कॉस स्क्वायर कटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या जाएगा सिंपली कॉस आ जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कॉस क्यूब आ जाएगा और एक साइन स्क्वायर कटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ गया साइन आ गया, ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। अब तुम इसको कैसे लिख लो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर फोर हो गया, ये फोर हो गया, नीचे यहाँ पर कितना आ रहा है साइन और कॉस आ रहा है। मैंने तुम्हें बताया था इसको कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा टू टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो गया साइन और कॉस, तो ये तो वन हो गया, वन माइनस क्या लिखा है यहाँ पर टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे यहाँ पर क्या लिखा है साइन और कॉस, हो गया प्रूफ। इसको अलग अलग कर दो साइन और कॉस हो गया, इसको यहाँ पर जब तुम अलग अलग करोगे तो एक एक कट जाएगा, तो इस तरह से हो गया। अब तुम क्या करो साइन और कॉस को ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना हो गया सेक कोसेक माइनस यहाँ पर क्या लिखा है टू साइन एक्स कॉस लिखा है। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, फेयरली इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया यहाँ पर क्या किया है, ओके फाइन। और ले लेते हैं, चलो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, इफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू थ्री है, देन प्रूफ दैट के 10 रेस टू पावर 4 प्लस कॉट रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 47, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इनको मैंने स्क्वायर कर दिया, तो जैसे अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाता है 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 टेन एक्स इंटू कॉट आएगा, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा। तो तुमने क्या किया सिंपली इसको 2 लिख दिया, यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया। आ रहा है समझ में, द आइडिया इज कि यहाँ पर टेन और टेन इंटू कॉट वाला टर्म आया ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ गया टेन स्क्वायर आ गया कॉट स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फिर से स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। तो स्क्वायरिंग करने से पहले एक काम करो, इस टू को उधर ले जाओ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7, फिर से तुम इसको स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, फिर से स्क्वायरिंग कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 10 रेस टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा कॉट रेस टू पावर 4 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर, जो कि कट के खत्म हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, हो गया प्रूफ। 2 को तुम इधर लेके जाओ 47 हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, फेयरली इजी। और ले लेते हैं, चलो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, 1 प्लस टेन ए टेन बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ले लिया चलो टेन ए माइनस टेन बी इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बोल दिया ये प्रूफ करो sec स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर बी, ठीक है। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स टेन ए इंटू टेन बी हो गया, ठीक है। एक को हमने ओपन किया, दूसरे वाले को भी ओपन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स टेन ए टेन बी, मतलब टेन ए टेन बी तो कट रहा है राइट, ये और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अभी बचा यहाँ पर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू टेन स्क्वायर बी, यहाँ पर कितना हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कितना हो गया टेन स्क्वायर बी, सही है। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो कॉमन निकाल सकते हो, जैसे कैसे कॉमन निकाल दिया, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर ए कॉमन निकाला तो क्या बच रहा है यहाँ पर टेन स्क्वायर बी प्लस 1 हो गया, और बाकी जो बचा है यहाँ पर तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो टेन स्क्वायर बी प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा तो ये कितना जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बी कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉमन निकल गया, बस हो गया प्रूफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर बी लिख सकते हो, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, इजीली प्रूफ हो गया, ठीक है। और कर सकते हैं, चलो आगे मैंने कर दिया, क्या बोल दिया, चलो और लिखो, ऐसे मैंने बोल दिया साइन एक्स प्लस सेक एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या ले लिया कॉस एक्स प्लस, ठीक है, कोसेक का स्क्वायर
हमें प्रूफ करना है यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है sec x इंटू cosec इसका स्क्वायर, ये प्रूफ करना है ठीक है। तो चलो LHS अगर मैंने शुरू किया तो यहाँ तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ये जाएगा साइन इंटू sec हो गया ठीक है। वही सेम चीज़ क्या करो उसके लिए भी कर दो, उसको भी स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर हो जाएगा cosec स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स cos इंटू cosec हो गया। तो तुम देख लो यहाँ पर किसको कैसे बना सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर ये चीज़ तो दिख ही रही है कि ये और ये तो 1 हो गया ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, चलो इसको इसको मैंने ऐसे लिख लिया sec स्क्वायर x ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लिख लिया इसको cosec स्क्वायर x, और बाकी देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2, जैसे ये जो लिखा है यहाँ पर अगर तुम sec को नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा cos बनेगा, तो यहाँ पर तो कितना आ गया 2 tan x आ गया ठीक है। वैसे उसी सेंस में यहाँ पर क्या करो इस cosec को जब तुम नीचे लेके जाओगे तो sin बनेगा तो cot आ जाएगा, तो cot x लिख लिया और 2 मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस ठीक है इस तरह से लिखा हुआ ये cosec स्क्वायर ठीक है, प्लस इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया चलो sin बाय cos, और इसको यहाँ पर लिख दिया cos बाय sin ठीक है। जब मैं यहाँ पर LCM लूंगा तो यहाँ पर कितना जाएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और यहाँ पर कितना जाएगा sin इंटू cos हो गया। तो मतलब बेसिकली ऊपर तो 1 बन गया, और ये जो sin और cos को जब तुम ऊपर ले जाओगे तो ये कितना जाएगा 2 sec x इंटू cosec हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है। और तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे ये कितना लिखा है 1 प्लस, अच्छा मुझे बताओ मैंने तुम्हें बताया था ये जो लिखा है इनको मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने एक जगह तुम्हें बताया था प्रूफ किया था, प्रूफ नहीं किया था, तुम उसको प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो देखो चलो करके दिखा देते हैं। 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख लो, इसको क्या लिख लो 1 बाय साइंस स्क्वायर लिख लो, LCM लो तो यहाँ पर कितना जाएगा साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये कितना जाएगा कॉस स्क्वायर साइंस स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, तो अपॉन यहाँ पर कितना हो गया कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर। जब तुम उसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सेक्स स्क्वायर इंटू कोसेक्स स्क्वायर ठीक है। तो तुमको दिख रहा है ना ये परफेक्ट स्क्वायर, ये कितना जाएगा 1 प्लस सेक एक्स इंटू कोसेक का यहाँ पर क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यही करना था प्रूफ, समझ में आता है यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है। चलो और ले लेते हैं थोड़े से, जैसे और मैंने क्या ले लिया ऐसे बोल दिया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिख लिया 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लिया चलो साइन स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है ठीक है। तो चलो क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में जो ये जो कॉट दिख रहा है इसको चलो मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये जगह यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर, ये जगह यहाँ पर 1 प्लस 3, ये जगह कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो गया। LCM लिया तो कितना हो गया 1 प्लस 2, ये कितना यहाँ पर कॉस स्क्वायर, नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस ये जगह 3 कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में जो आएगा इसको मैंने कैसे लिख लिया ऊपर लिख लिया ठीक है। अब तुम क्या कर लो, जैसे नीचे यहाँ पर एक साइन स्क्वायर दिख रहा है और 3 कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो तुम एक को मिलाओ ठीक है, एक को मिलाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बेसिकली सब कुछ कट गया सिंपली यहाँ पर साइन स्क्वायर ही आ गया। आ रहा है समझ में क्या करना है ठीक है। यहाँ से एक कॉस स्क्वायर निकालो ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा, मतलब ऊपर नीचे से कट जाएगा सही है ओके फाइन ठीक है। चलो एक मैंने ऐसे ले लिया इस तरह से, मैंने बोल दिया फाइंड ठीक है थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके चलो मैंने बोल दिया पाई बाई 2 ठीक है, 0 से लेके पाई बाई 2 फाइन। और यहाँ पर कैसे लिख दिया इक्वेशन 4 साइन थीटा का स्क्वायर ठीक है माइनस 2, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 साइन थीटा प्लस रूट 3 ठीक है। मुझे क्या करना है थीटा निकालना है, तो तुम देख सकते हो साइन थीटा मैं पर कोई क्वाड्रेटिक लिखा है, तो एक काम करते हैं इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके रूट्स को मैं इसके वाले मेथड से निकाल रहा हूँ ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ए यहाँ पर कितना है 4 है ठीक है, और ये कितना यहाँ पर 3 हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8 ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस, इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो पहले तो यहाँ पर 4 आएगा ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर कर रहे हैं रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 रूट 3 हो गया ठीक है। और यहाँ से कितना लिखा है माइनस 4 इंटू 4 रूट 3, मतलब बेसिकली मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ राइट। तो अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूंगा तो बाहर क्या निकलेगा 2 बन के निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा
ये हो जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ पर कितना 2 रूट 3, माइनस ये कितना देगा 4 रूट 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे ये तो यहाँ पर कितना देगा 2 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, इस चीज़ को देखो, अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो 2 लिखा है, इस चीज़ को देखो ध्यान से। ये जो लिखा है बेसिकली यहाँ पर देखो क्या होगा, ये बन के यहाँ पर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 3 प्लस 1 तो ऑलरेडी है, 2 रूट 3 की जगह अगर माइनस 2 रूट 3 हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर किसका हो गया, रूट 3 माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तुम चाहो तो उसको ओपन करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा रूट, ये जाएगा रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो गया 8। तो 8 को तो तुम निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ऊपर से 2 कॉमन निकालो, काट दो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ रूट 3 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करो, तो एक बार प्लस ले लो, प्लस ले लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 रूट 3, 1 और माइनस 1 तो कट जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, एक बार माइनस लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट थ्री कट जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, दैट इज 1 माइनस ऑफ माइनस 1, दैट इज 2, और यहाँ पर कितना आ गया 4। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट 3 बाय, काट दो इसको, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये 30 डिग्री हो गया। वैसे भी 0 और 90 के बीच में बताना था ना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर कितना हो गया, 60 और 30। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके।